नमस्कार फ्रेंड्स, वेजिटेरियन फूड स्टैंड में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म खस्ता कचौरियाँ। अब वैसे भी ठंडा मौसम होने लगा तो इसमें कुछ गर्मा गर्म हो तो मज़ा ही आ जाए। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है 1 कटोरी मैदा। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और उसमें मैं डाल दूँ थोड़ी सी अजवाइन, हाथ से क्रश करके डालिएगा। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हम, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हम जो अंदर फिलिंग भरेंगे उसमें भी नमक होगा। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं, हम पाउडर डालेंगे, इससे बड़ी खस्ता बनेंगी। और हमें इसमें डालना है मोइन। आप क्या करें, मोइन इतना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा कि आपकी मुट्ठी में आए तो मुट्ठी बन जाए इसकी। हमें इतना मोइन डालना है। तो देखिए मैंने मोइन डाली और देखिए मेरी आराम से मुट्ठी बन रही है, यानी कि मोइन परफेक्ट है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा नमक डाल के आप इसका बिल्कुल टाइट सा डो बना लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और ये देखिए मेरा डो बन के तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको रेस्ट के लिए दे दूँगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। इतने हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। तो देखिए फिलिंग के लिए मैंने लिया है सत्तू। ये मेरा सत्तू है, आपने जितनी बनानी है उस हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर और साबुत जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, आप हींग भी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक मैंने घिस के रखा था और है धनिया। और इसमें डाल दीजिए काला नमक और सफ़ेद नमक, दोनों चीज़ें डालिएगा अपने टेस्ट जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से। और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। और मैंने एक छोटा सा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया। और आधा चम्मच सौंफ, सौंफ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं पर मैं हींग नहीं डाल रही इसमें। और इसको मिला के हम साइड में रख देंगे। अब इधर डो चेक कर लेते हैं, हमारा हो गया 10-15 मिनट। अब एक बार इसको मसल के हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। तो इधर देखिए मेरा ये जो मैंने मसाला बनाया था ये थोड़ा सूखा है, तो इसे हल्का सा ना गीला कर लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा होकर के थोड़ा सा गीला कर लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के ज़रा सा। और छोटी छोटी आप गोलियां बना लीजिए ये देखिए, और इसके अंदर फिलिंग कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी मत बनाइएगा ये देखिए। और इसको फिलिंग को इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा आटा उसे हटा दीजिए और हल्का सा ना हथेली के बीच में रखकर हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए ताकि जो फिलिंग है ये पूरी कचौरी में अच्छी तरह से फैल जाए ये देखिए। हमें इसे बेलना नहीं है, हम बिल्कुल मार्केट जैसी बनाएंगे टेस्टी से। और फ्रेंड्स आप इसे आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खाते हैं, हरी चटनी, बच्चे तो केचप के साथ भी खा लेते हैं, आप इमली की चटनी के साथ खाइए, बड़ी टेस्टी लगेगी। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत के बच्चे जैसे हॉस्टल में रहते हैं बाहर पढ़ने जाते हैं तो वे इस तरह से बना के उन्हें कुछ दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ताकि बच्चों का जब मन करे कुछ ना हो तो खा ले इन्हें। तो देखिए मैंने इस तरह से ये फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने पहले ये बना ली है, दो मैं बाद में बना दूंगी, दो का और आटा बचा हुआ है वो बिल्कुल छोटा छोटे ही बनेंगी। तो मैंने इधर तेल को रख दिया कढ़ाई में, हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है क्योंकि हमें बिल्कुल मंदी आँच पे ही बनानी है। देखिए ज़्यादा तेज गर्म नहीं है ये देखिए, ये मेरा ये थोड़ा है इसलिए वो हो रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए अब आप ये देखिए। और इसको जब एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से पलट दीजिए। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल धीमी आँच पे ये सेकनी है। जब ये सिक जाए देखिए अच्छा सा कलर आ गया इसका गोल्डन ब्राउन सा, तो आप इसे निकाल लीजिए ये देखिए। आप इसे शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं इसे, या सॉरी घर में गेस्ट आ जाए उनको भी सर्व कर सकते हैं, जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ करेगा, कोई यही नहीं बता पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए मेरी खस्ता कचौरी है ना बढ़िया। देखिए दो बिल्कुल छोटी छोटी बनी है ये, तो मैंने इन्हें सेंटर में रख दिया है। और गजब, मेरा बेटा था बल्कि ये कह रहा मम्मी आपने बाहर वाली से जो बाहर की होती है कचौरी उससे भी बेस्ट बनाई है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये मैंने इसको सर्व किया इमली की चटनी के साथ। आप इसे मीठी भी बना सकते हैं, बस इसमें प्याज धनिया ये सब ना डालें, हरी मिर्च। उसकी जगह आप इसमें सौंफ का पाउडर डाल दीजिए, हरे धनिया उसमें सवा धनिया डाल दीजिए और पिसी हुई चीनी, और बस ये आपकी खट्टी मीठी सी बन के कचौरी भी तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करें।